अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है, आपको उसके टाइटल से और थंबनेल से पता तो चल गया होगा कि, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो हेयर स्टाइल है, ये मीडियम से शॉर्ट के बालों के लिए, मीडियम टू शॉर्ट बालों के लिए, जैसे मेरे बाल हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं ज़्यादा लॉन्ग लेंथी बालों के लिए नहीं बता रही। और दूसरी बात, बहुत ईजी से हैं, आपको इसके लिए साथ की कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इन बालों को हेयर स्टाइलिंग करने के लिए। ईद के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ईद जो है वो समय में आज की जो सारी हेयर स्टाइल है हमारे, हम सिर्फ बॉबी पिन से, हम स्टेटमेंट पिन से करेंगे। यहाँ से लेने पर चार पिंक्स लेनी है। आप जरूरी नहीं कलरफुल ले, कुछ कोई भी कलर ले सकते हैं। कलरफुल होंगे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये है कि आपके जो ब्लैक हेयर्स होंगे उन पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आपने इनको इस तरह सीक्वेंस से लगाना है, इतना सा कहते हैं। एंड देन ज़रूरी नहीं है कि आप इस साइड पे करेंगे, इस साइड पे करें। मैं इसलिए दोनों साइड से करके बता रही हूँ कि आप ये ना समझें कि इस साइड पे अच्छी लगेंगे। जिन लोगों को यहाँ पे आदत होती है इस साइड पे हेयर स्टाइलिंग करने की, वो लोग यहाँ कर सकते हैं, जो लोग यहाँ पे यहाँ पे। तो मैं दोनों तरफ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब ये लेंगे, अगर आपने बाल स्ट्रेट करने से पहले तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी इस तरह छोड़ा, क्योंकि इस तरह की जो है ड्रेसिंग के साथ, जो मैंने ट्रेडिशनल ईस्ट स्पेशली ये लुक क्रिएट किया, इसके लिए मैंने स्पेशली ये किया। देन हमने क्या करना है, इसको ऐसे ये देखिए ऐसे साइड पर करके हमने करना है। हमने क्रॉस का निशान बनाना है, तो क्रॉस के लिए हमें चार पिंस का यूज करना है। ये स्ट्रेट बालों में भी अच्छे लग सकते हैं स्टाइल ऐसे। अगर आप ओपन, आपके कर्ल वेवी हैं बाल थोड़े थोड़े, तो आप लॉ डाई वालों के साथ इसको कह दे सकते हैं। बाकी की तैयारी रह गई है ईद के लिए, वो करते हैं। इस आउटफिट के साथ, ये बहुत ही ट्रेडिशनल सा सिंधी टाइप सा आउटफिट है, और इसके साथ मुझे, मेरा जहाँ पे ऐसा ख्याल है कि आपको चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी, मुझे कांच की चूड़ियाँ यहाँ पे, या फिर इसके साथ अगर आपके पास ऐसी अफगानी या फिर कोई भी हैंडकफ टाइप है, अफगानी टाइप से कुछ भी, तो वो भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इसके साथ चूड़ियाँ पहनूंगी, क्योंकि मेरा दिल था जो लास्ट लुक थी उसमें मैंने चूड़ियाँ कैरी नहीं की। तो फिर और इसके साथ हमने, ये बहुत ही ट्रेडिशनल सी फ्रॉक है, और मैंने ये अलग से इसके साथ ही पहनी है, लेकिन मैंने जहाँ से ये बनवाया था मैंने उन्हीं से ही ये बनवाई है, मैंने खुद से कह के उनसे बनवाई थी, लेकिन ये जो थी अलग से फ्रॉक थी। मैं ओवरऑल इसके लिए खड़े होकर दिखा, मेरे पास है 12 इसका येलो कलर में और 12 पिंक कलर में चूड़ियाँ। हम इन दोनों को मिक्स करके एक ही बाजू में डालेंगे। दोनों बाजू में मुझे आई थिंक चूड़ियाँ दोनों अच्छी नहीं लगेंगी, हम इन दोनों Ha
मैंने वहाँ से लिया था लोकल मार्केट से, तो मुझे इसका कुछ भी याद नहीं है। चूड़ियाँ भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी, ऐसे बिल्कुल सिंपल सी हैं। इनको इस ड्रेस के साथ सिंपल सी चीज़ें कैरी करके इसको बहुत ज़्यादा और वाइब्स दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो ट्रेडिशनल सी। तो अब हमारा हेयर स्टाइलिंग भी हो गया, अब हम चलते हैं अपने आखिरी लास्ट पार्ट की तरफ। अभी हमारी खुद से की, तो हमने जो चूज़ किया इसके लिए पिंक कलर का चूज़ किया। अगर येलो करती तो वो बिल्कुल टोटली येलो येलो सा हो जाता, तो पिंक मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, तो ड्रेस जो मेरा है प्रिंटेड है, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो इसके साथ हम ये एम्ब्रॉयडरी। आज की मैंने सिर्फ हेयर स्टाइल की वीडियो बनानी थी, मेरी ई लुक के साथ आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने इस ड्रेस के साथ देखा तो मुझे लगा कि इसके साथ ई लुक क्रिएट करनी चाहिए। बहुत ही ट्रेडिशनल सा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इस तरह की सिंधी टाइप ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसके साथ छोटा सा हम इसके साथ कैरी करने का ज्वेलरी का और एज ए थिंग ड्रेसेस के साथ के मुझे इस ड्रेस के साथ में मुझे बहुत अच्छे हेयर स्टाइल लग रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं इसके साथ कैरी करने का बताती हूँ। और ये जो ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूँगी। इंस्टाग्राम पे नेक्स्ट वीडियो पे स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।